सो है गाइस, अभी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंड एक न्यूज़ आई है शाओमी की तरफ से कि अगर आप कोई भी रॉम फ्लैश करते हो, जो कि मतलब अगर आप कोई भी ग्लोबल बेटा या फिर कोई भी जो डेवलपर रॉम है उसे आप फ्लैश करते हो, जो कि 8.7.5 के ऊपर है या फिर 8.7.5 है, तो उसके बाद आप रोल बैक नहीं कर सकते, यानी कि आप वर्जन अपने जो रॉम है उसका नहीं घटा सकते। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप फ्लैश करने जा रहे हैं तो शाओमी की कोई भी रॉम जो भी आपकी डेवलपर रॉम है उसको आप फ्लैश मत करिए। जो भी 8.7.5 हो या फिर अगर उससे ऊपर उसका वर्जन है, तो ऐसी किसी भी रॉम को बिल्कुल भी आप फ्लैश मत करिएगा, वरना आप वापस नहीं जा सकते, आपको उसी रॉम में रहना होगा। एंड अगर आप वापस जाने की कोशिश करते हैं तो आपका डिवाइस हार्ड ब्रिक होगा दोस्तों, सॉफ्ट ब्रिक नहीं होगा, तो आप बचा नहीं सकते, हार्ड ब्रिक होगा। एंड हार्ड ब्रिक के बाद आपके पास टेस्ट पॉइंट का ही सहारा बचेगा। तो इसीलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं कोई एडिटिंग एडिटिंग भी नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट नॉर्मल वीडियो डाल रहा हूँ। तो कृपया करके प्लीज़ शाओमी की जो रॉम मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिखा हुआ है सारी रॉम, ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी रॉम आपको इंस्टॉल नहीं करनी है वो मैंने लिखी है, एंड उस रॉम को एंड उसकी ऊपर जो भी वर्जन है उन रॉम्स को आप बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करिए, क्योंकि अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आप रोल बैक नहीं कर सकते, आप वापस नहीं जा सकते दूसरी रॉम में, अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो आपका डिवाइस हार्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बिल्कुल भी फ्लैश ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप अगर आपका दोस्त है जो कुछ रॉम वॉम फ्लैश करता है तो उसको ज़रूर से ये बता दीजिएगा। एंड अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं एंड आप फ्लैश करने की सोच रहे थे तो मत फ्लैश करिए, बिल्कुल मत करिए। एंड शाओमी ने अचानक से ये न्यूज़ दी है, अब जाके वो बता रहे हैं जब लोगों का जो है ब्रिक होने लगा है स्मार्टफोन, बहुत लोगों का ब्रिक हुआ है, हार्ड ब्रिक हुआ है, एंड हार्ड ब्रिक से वापस आना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो कृपया करके इन रॉम्स को इंस्टॉल ना करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है कौन कौन सी रॉम है, तो प्लीज़ डोंट फ्लैश देम, डोंट इंस्टॉल देम। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा वीडियो लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना।